सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त सुबह उठकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पर अगर हम राजनीतिक दलों से इस बात को जोड़ दें तो वहीं पर कुछ विशेष हो जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जैसे कि सावन का महीना है और रुद्र अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त गण करते हैं, तो वहीं पर आज राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यालय में भी रुद्र अभिषेक हुआ, जहां हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य था आज इस तरीके का आयोजन करने का। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सावन माह में आपने जो रुद्र अभिषेक किया है, बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा ऐसे ही बनाए रखें। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज रुद्र अभिषेक करने का क्या मुख्य उद्देश्य जी। सबसे पहले धन्यवाद आपको। आज सावन के माह में इस पर्व सावन के माह में पर्व दिवस मनाया जाता है। पूरे सावन महादेव भक्त महादेव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और लोग स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। लेकिन आज मैं महादेव को पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक किया है मैंने, और ईश्वर से महादेव से यही प्रार्थना किया है कि राष्ट्रवादी पार्टी के इस कार्यालय में, हमारा यही उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यालय में महादेव का रुद्राभिषेक हो, इसलिए कि महादेव की कृपा होगी राष्ट्रवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में सामंजस्य और उत्साह होगा, राष्ट्रवादी पार्टी के ऊपर महादेव की कृपा होगी तो राष्ट्रवादी पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में पूरे देश में राष्ट्रवादी पार्टी फैले और राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, जिससे राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जीत करके अपनी सरकार बनाएं और इस देश का उद्धार करने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महादेव की कृपा से पूरे देश के समाज आम जनमानस में महादेव की कृपा रहे, जिससे इस देश में आपस में पूरे आम जनमानस में सामंजस्य हो, ईश्वर की कृपा रहे, महादेव की कृपा रहे, जिससे हर आम जनमानस को कोई समस्या ना हो। तो अखिलेश जी, आज जो यहाँ पर कार्यालय में रुद्र अभिषेक रहा तो कौन कौन लोग सम्मिलित हुए और किस तरीके से अपनी भागीदारी दी पार्टी के पदाधिकारी जी? पार्टी के कोर के लोग, कोर कमेटी के लोग इस महादेव के रुद्राभिषेक में शामिल हुए और महादेव से यही प्रार्थना किया गया कि राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, रुकना नहीं चाहिए, महादेव से यही प्रार्थना किया गया और राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां बढ़ते हुए 2027 का जो लक्ष्य है राष्ट्रवादी पार्टी का, कि 2027 में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती के साथ चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़ी भूमिका निभाएं, ऐसा महादेव से प्रार्थना किया गया। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से आज कार्यालय में रुद्राभिषेक हुआ, देश की जनता के लिए क्या संदेश है जो भक्ति में सराबोर रहती है भोलेनाथ जी? जिस तरीके से देश के आम जनमानस के लोग महादेव के भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मैं सभी भक्तों के लिए महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, उन्हें खुश रखें, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और राष्ट्रवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस कार्यकर्ता जुड़ें, यही हमारा महादेव से अनुरोध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के, जिनसे हमने बात किया कि आज जो महारुद्राभिषेक किया गया सावन के महीने में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यालय में, मुख्य उद्देश्य कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमेशा उत्साह बना रहे, उनकी सुख समृद्धि, भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो वहीं पर हमने आज देखा कि सावन के महीने में जो ये रुद्राभिषेक हुआ था, जो आप इस समय हंगामा टाइम न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में महादेव का रुद्राभिषेक हो रहा, वहीं पर भोलेनाथ से हर सुख सुविधा की कामना भी भक्तगण कर रहे हैं। और वहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा है खास, आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।